नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा छठी के हिंदी विषय के कविता 5 का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है बंधन का सुख। बच्चों, सुंदर कपड़े पहनने, तरह तरह के पकवान खाने तथा आलीशान जगह में रहने के बावजूद यदि आप स्वतंत्र नहीं हैं, तो ऐसे सुख का कोई मोल नहीं। जीवन के असली सुख की अनुभूति खुले आसमान के नीचे रहने में ही होती है। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि भले ही पिंजरा सोने का ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वो है तो एक बंधन ही। सोने के बंधन में आज़ादी के सुख की अनुभूति कभी नहीं हो सकती। तो इस कविता में हम एक तोते और मैना के बीच होने वाले संवाद की जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं कविता बंधन का सुख। पिंजरे के तोते से बोली छत पर बैठी मैना, बड़े मजे से तुम रहते हो, बोलो ये सच है ना। एक बार पिंजरे में बंद तोते से छत पर बैठी हुई मैना कहती है कि तुम तो इस पिंजरे में बड़े मजे से रहते हो और सभी तरह के सुख का उपभोग करते हो, बोलो ये सच बात है ना। बैठे बैठे मिल जाते हैं भांति भांति के व्यंजन, काश मुझे भी मिल पाता जो ये पिंजरे का बंधन। मैना कहती है कि तुम्हें इस पिंजरे के अंदर बैठे बैठे तरह तरह के पकवान मिल जाते हैं, काश मुझे भी अगर मिल पाता इस तरह पिंजरे का बंधन, तो मैं भी इस पिंजरे में बैठ के भांति भांति के व्यंजन जो है उनका मजा ले पाती। भोजन और जल की तलाश में हम दिन रात भटकते, तब जाकर दो चार अन्न कण अपने पल्ले पड़ते। मैना कहती है कि तुम्हें तो इस पिंजरे के अंदर बैठे बैठे तरह तरह के व्यंजन मिल जाते हैं, लेकिन हमें तो भोजन और जल की तलाश में दिन रात भटकना पड़ता है, तब कहीं जाकर हमें अन्न के दो चार कण ही मिल पाते हैं। उस पर हरदम चिड़ी मार का डर रहता है मन में, हिंसक जीव जंतुओं का भीषण खतरा है वन में। मैना कहती है जब हम अन्न कण के तलाश में, जब हम अन्न की खोज में निकलते हैं, उस पर भी हमेशा हमें बहेलिए का अर्थात जो चिड़ियों का शिकार करते हैं उनका डर लगा रहता है, और अगर उनसे बच जाए तो हिंसक जीव जंतु जो हैं उनका हमें बड़ा खतरा होता है वन में। मैना की ये सभी बात सुनकर तोते ने कहा, अगर सोचती हो सुख है बंधन में, मुझे निकालो, आओ अंदर, मैं जाता हूँ वन में। तोता कहता है कि अगर तुम सोचती हो कि बंधन में ही सुख है, इस तरह पिंजरे के अंदर रहने में ही सभी प्रकार की खुशियाँ मिलती है, तो इस पिंजरे से मुझे तुम निकाल दो और आओ अंदर पिंजरे के, और तुम इस पिंजरे के सुख का भोग भोगो। तुम ले लो पिंजरे का सुख, मैं ले लूं जंगल की पीड़ा, बड़े मजे से रहना इसमें, करना निशदिन क्रीड़ा। तोता कहता है कि जिस तरह तुम्हें ये पिंजरा बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो एक काम करो, तुम इस पिंजरे का सुख ले लो और मैं जंगल की जो पीड़ा तुम, जो दर्द तुम सह रही हो, वो जंगल की पीड़ा मैं ले लेता हूँ। तुम इस पिंजरे में बड़े मजे से रहना और दिन रात जो है खेल खेला करना। मैना ने खोला दरवाजा जैसे ही पलछिन में, मैना को अंदर कर तोता उड़ गया गगन में। मैना उसकी बातों में आकर उसने पिंजरा खोल दिया, और जैसे ही मैना ने दरवाजा खोला, वह तोता मैना को अंदर करके खुद एक ही पल में गगन में उड़ने लगा। 4 दिनों में ही वह मैना अंदर तड़प रही थी। मैना जो है कुछ ही दिन जब उसने पिंजरे के सुख को बड़े आराम से लिया, उसके बाद वह तड़पने लगी। जिस पिंजरे में उसे बंधन का सुख प्राप्त हो रहा था, अब वही पिंजरे में उसे घुटन महसूस होने लगी। वह तड़पने लगी और बाहर आने का प्रयास करने लगी। उड़ने को आकाश में ऊंचे, तबीयत भड़क रही थी।
वह पूरे जतन कर रही थी किस तरह वह इस पिंजरे से बाहर निकले और आसमान के खुले आंगन में वह स्वतंत्रता से उड़ सके। भांति भांति के भाते न थे उसको कोई व्यंजन। जिस प्रकार को तोते को देखकर उसके मन में लालच पैदा हुआ कि इसे इस पिंजरे के अंदर तो सभी प्रकार के व्यंजन मिल जाते हैं, अब वही व्यंजन जब मैना को मिल रहे हैं तब उसे वह व्यंजन नहीं भा रहे हैं, उसे अच्छे नहीं लगते। ना आराम सुहाता उसको ना पिंजरे का बंधन। अब उस मैना को ना उस पिंजरे में आराम ही अच्छा लगता है और ना उस पिंजरे का बंधन उसे अच्छा लगता है। बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि रमेश द्विवेदी कहते हैं कि असली सुख खुले आसमान की आज़ादी में है, किसी प्रकार के बंधन में नहीं। जिस प्रकार हमें कोई बंधन पसंद नहीं होता, उस प्रकार इन पक्षियों प्राणियों को भी स्वतंत्रता पूर्वक रहने का, इस नीले गगन के नीचे विचर करने का उन्हें पूरा अधिकार है। इसलिए किसी को भी किसी प्रकार के बंधन में ना रखते हुए उन्हें उनका जीवन स्वतंत्रता पूर्वक जीने के लिए दिया जाए।